वन विभाग के पेड़ों की गिनती को लेकर बांध प्रबंधन कार्यालय से आए वरिष्ठ प्रबंधक कपिल दत्त शर्मा एवं उप वरिष्ठ प्रबंधक एवं वन विभाग अंचना बिष्ट ने ग्राम पंचायत संगड़ा के ग्राम सियू में बुधवार को विस्थापितों के साथ बैठक की, जिसमें विस्थापितों ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि पहले विस्थापितों की मांगों को पूरा करो, उसके बाद पेड़ों की गिनती शुरू कर दी जाएगी। इस पर बांध प्रबंधन कार्यालय से आए वरिष्ठ प्रबंधक कपिल दत्त शर्मा ने विस्थापितों को आश्वासन दिलाते हुए कहा कि उनकी मांगों को क्रमवार जिलाधीश सिरमौर और हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजा गया है, जिसमें शीघ्र ही गृह विहीन परिवारों की सूची शीघ्र जारी कर दी जाएगी, जिसमें लैंडलेस परिवारों की सूची को अंतिम रूप देकर जिलाधीश सिरमौर को भेजा गया है। उन्होंने कहा कि विस्थापितों की मकान बनाने के लिए 7 लाख से बढ़ाकर 28 लाख तक कर दिया गया। इसके अलावा अन्य मांगों पर भी कार्य चल रहा है। रेणुका बांध परियोजना से आए अधिकारियों के साथ विस्थापितों की ग्राम सियू में बैठक हुई और उसमें विस्थापितों ने इन्हें दो टूक जवाब दे दिया है कि पहले हमें बसाइए, उसके बाद आगे का कार्य सुचारू रूप से चलाइए। मैं अपनी ओर से कहना चाहता हूँ कि हमने बांध प्रबंधन के समक्ष और जिला प्रशासन और सरकारें, कई सरकारें आई कई सरकारें गई, सबके समक्ष अपनी मांगों को रखा, किंतु हमारी मांगों को नज़रअंदाज किया गया और अभी भी हम अपनी मांगों को लगातार इनके समक्ष रखते आ रहे हैं और ये हमें सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं, जिसका आज यहाँ पर ये हमसे बात करने आए, ये आज बात करने तब आ रहे हैं जब इन्हें यहाँ पर पेड़ों की गिनती करने से रोका जा रहा है। आज से पहले विस्थापितों की ना तो बांध प्रबंधन को याद आई और ना ही सरकार को और ना ही जिला प्रशासन को। इन्हें तब याद आती है जब हम लोग कड़ा रुख अपनाते हैं और मैं कहना चाहता हूँ कि बांध प्रबंधन को कड़ी चेतावनी है, जब तक विस्थापितों की मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक इसी प्रकार संघर्ष जारी रहेगा। पहले विस्थापितों की मांगों को पूरा किया जाए, उसके बाद बांध का कार्य अपना सुचारू रूप से चलाएं। इसमें हमने जो इनकी 18 सूत्री मांग आई थी वो हमने इनकी सरकार के समक्ष अपने मैनेजमेंट के थ्रू सरकार के समक्ष पेश किया हुआ है। जैसे भी इसमें कोई होगा, बाकी चीज़ें होगी, हम सारी चीज़ें उसमें रिजॉल्व ज़्यादा जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आधी चीज़ें इसमें कई चीज़ें रिजॉल्व भी हुई है, दो चार चीज़ें हमारी दो चार जो इश्यूज थे, बाकी जो आज की जो हमारी यहाँ पे जो मुझे उच्च अधिकारियों द्वारा डेप्यूट किया गया था तो आज लोगों से मिला, लोगों की जो भी अपनी डिमांड्स है वो मैं जो उच्च अधिकारी के समक्ष पेश करूँगा। देखिए, जो हमारी जो फॉरेस्ट की जो काउंटिंग होनी है ये हमारी MOEF एंड CC से जो हमारी ऑब्जर्वेशंस आई है सेकंड स्टेज क्लियरेंस के लिए, तो उसमें जो उस ऑब्जर्वेशन को अटेंड कर रहे हैं उसमें जो हमारी 3-4 ऑब्जर्वेशंस आई थी उसमें से एक रिनोमरेशन ऑफ ट्रीज भी है हमारी, तो इसमें दोबारा फॉरेस्ट का जो हमारा पहले नहीं और फॉरेस्ट का जो काउंटिंग जो कर रहे हैं हम लोग उसी बेसिस पे कर रहे हैं। बाकी जो लोगों का जो डिमांड्स है बाकी लोग हमारा भी करें तो उस चीज़ में जो हम उच्च अधिकारियों से मैं उस चीज़ को उनके समक्ष पेश करूंगा। थैंक यू। वेलकम टू द प्रीमाइसेस ऑफ सेंट थॉमस सीनियर सेकेंडरी स्कूल। एवरी डे एट सेंट थॉमस इज लाइक अ ब्लेसिंग विद एक्टिव स्टूडेंट्स एंड बिनाइन हायर अथॉरिटी। स्पेशल की फीचर्स आर द वैल्यूज एंड मॉरल्स, innovation and creativity, well-equipped technology-aided learning class, cultural activities for holistic development of students. Come to learn, go to serve. An ideal place for learning. कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता सबसे अच्छा, डिफेंस रोड ममून पठानकोट। कॉन्टैक्ट 9614196141।